अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रैप्टर ब्लॉग। मैं हूं राव रिजवान और आज नए ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमजान चल रहा है तो आजकल सहरियों के भी ब्लॉग आने हैं, सहरी और अफतारी के, मतलब कि कहीं भी अच्छी अफतारी मिलेगी तो हमने पहुंच जाना है। तो आज का ब्लॉग मेरा खास तौर पर इस वास्ते है कि एक तो नया घर बना है तो उसकी आज इफ्ताह कर रहे हैं, तो उस वास्ते एक ना जबरदस्त लश अफतारी रखी है, मतलब की काफी सारे मेहमान आने वाले हैं। और आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि देहात के अंदर अफतारी किस तरह करी जावे और शहर के अंदर लोग पता नहीं किस तरह करें, मतलब कि मैं देहात का कल्चर दिखाऊंगा कि आज गांव के अंदर हम लोग किस तरह अफतारी करा, वो सारा सिस्टम। घर का पहले विजिट कराऊंगा, उसके बाद फिर अफतारी। चलो सबसे पहले घर का विजिट करा, आओ चला। उस हमारे गरीब खाने की शुरुआत हो है जो कि किसी महल से कम को नहीं। यो गराज है, दरवाजे में एंटर होंगे इंशाल्लाह एक दिन थारे भाई को काले रंग का वीगो 4x4 खड़ा होगा। यो ही मैं तब से सारा विजिट कराऊँ। ये इंटर होंगे दो कमरे बने हैं, सामने किचन है, वॉशरूम है। सबसे पहले मैं थमने गेस्ट हाउस का विजिट करवाऊंगा, विजिट बाद में करवाऊंगा। आज अफतारी का सिस्टम कर रहे हैं ना तो सारा सामान वगैरह अंदर पड़ा ही भी है, अच्छे से अफतारी का सामान लगा लें, बाद में विजिट कराऊंगा। सबसे पहले गेस्ट हाउस का विजिट करा। गेस्ट हाउस स्पेशल बनाया गया है कि मेहमाना वास्ते है, उनके वास्ते VIP गद्दे रखे गए हैं और VIP पलंग कह लो यार, जिसने तारी तो बाद में पता नहीं इसने की कहते होंगे, क्योंकि VIP सिस्टम बनाया गया मेहमान के रिलैक्स वास्ते, उड़ आके चिल करें। अंदर हमने बेडशीट नहीं रखो है, अंदर कारपेट चारपाई वाला सिस्टम है। जो ईब थमना जो मैं विजिट कराऊँ हमारा किचन, किचन ही भी बनन लग रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि भी घर भी बस इफ्ताह करवाया, कुछ सामान ही रह रहे बनना है। देखो छोटा सा किचन, प्यारा सा, मतलब कि बड़ा ज़बरदस्त बनने वाला सिस्टम है। यो अफतारी का सारा सामान पड़ा है, चलो मैं थमने और विजिट कराऊँ। यू छोटा सा किचन होगा, किचन के गिल्ले है, हमने वॉशरूम और कपड़े चेंज करने वाला सिस्टम बनाया है। ये वॉशरूम है और सामने कपड़े चेंज करने वाले और कपड़े वाली अलमारी लगी हुई है। जो इस घर की सबसे खास बात है ना, वह जो है पूरा का इन्वायरमेंट, मतलब कि पूरे गांव के अंदर ना घर सेंटर में बनाया गया है, उससे पूरे गांव का विजिट आ गए। साइड पे खेत सब सब्ज और मजेदार हवा, बड़ा छोटा सा सादा सा और बड़ा खूबसूरत सा घर बनाया गया है पूरे गांव के दरमियान में करके। बाहर VIP मजेदार माहौल हो गए, सामने सर सब्ज खेत हुए, मतलब उससे खड़ा होकर बंदा पूरा नज़ारा ले सके। शाम ने सूरज ग्रूब और तो मंजर कमाल का लेवल का मंजर हो गया। ये दो कमरे हैं इधर, एक ये वाला कमरा है और एक ये वाला कमरा, बाकी ये गैराज है, यहाँ पर गाड़ी खड़ा करने के लिए बनाया गया स्पेशल। और आज रमज़ान है तो आज स्पेशल अफतारी करवाई है, भी अंदर लेके चलते हैं अफतारी को, जो सारा निज़ाम किया वो दिखाते हैं। एक घर की खुशी में मीठे में जलेबी और नमकीन में पकौड़े, सेब माल्टे और लस्सी, VIP अफतारी आज देने लग रही है आवाम से। आवाम मतलब सारे घर के बंदे होंगे। आज पहली दफ़ा मैं तार से अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, सारे फैमिली वाले जरूर इकट्ठे होंगे, बाई चांस इकट्ठे होंगे, लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे। मैं थर से कमरे का इंटीरियर विजिट कराऊँ जो कि बड़ा सिंपल सा और बड़ा खूबसूरत सा बनाया गया है। सीलिंग करवाई गई है वाइट कलर के अंदर और बीच में ब्राउन टाइप सा कलर रखा गया है, क्योंकि घर के बाहर से भी सारा ब्राउन है ना, दरवाजे वगैरह सारे ब्राउन है। उसके अलावा नीचे सब वाइट लगवाया है, ऊपर सब वाइट है और दीवार पे कलर सारा वाइट करवाया गया है। ये मैं तार से दूसरा कमरा विजिट कराऊँ। एक बात यो भी है कि दोनों कमरे में डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, छत के ऊपर जो सीलिंग करवाई गई है ना उसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, बाकी दीवार सारी वाइट है। नीचे से थोड़ी ब्लैकिश टाइप की प्लेट लगवाई गई है, लेकिन जो छत का जो दोनों गया है ना वो थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होने वाले तो दोनों कमरे में अफतारी का सामान रखा गया। ये देखो छत का थोड़ा ना सिस्टम थोड़ा चेंज है। यो मेहमाना वास्ते VIP चारपाइयों का स्टाक लगवा दिया, क्योंकि कोई मसला ना होगा, मतलब कि छोटा सा घर है और हर चीज़ VIP बनवाने लग रहे हैं। जो देखो इस छत का डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, दूसरे कमरे का डिज़ाइन चेंज है, और जो गेस्ट हाउस जिसने बैठक कम है वो थोड़ी सी और टाइप की बनवाई गई है, मतलब कि VIP बनाने लग रहे हैं। ये भी तो बनाने लग रहे हैं, जिसमें पूरा बन जाएगा तो उसकी बात कुछ और हो जाएगी। बाकी सारा फाइनल है, बस थोड़ा लकड़ी का काम होना रहेगा अंदर, खिड़कियाँ शिड़कियाँ लकड़ी की VIP, और रोजे का अफतारी का टाइम होना है तो रोटियां के नेड़े लग गए। यू है मेरी स्मार्ट सी फैमिली, माशाल्लाह बोलता नजर नहीं लानी, ये कुछ ज्यादा बड़े को नहीं, चाचू और कजन है सिर्फ, इबियादी हमारी फैमिली बाकी है। बाई चांस यार जिस टाइम भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आधे लोग आना तो रह जाए, देख रहे हो पूरा कमरा भर रहा है फैमिली के लिए, मेरे दादा अबू चाचू वगैरह बैठे हैं और ये बस वेट कर रहे हैं कि जिस तरह अजान हो और शफीक रोटी खोल और शुरू हो जाए सारे, बस अजान का टाइम होना लै, दुआ शुआ मांगा रोटी की निडल लागा,
लाए भी, अजान का टाइम होगा और ये आवाम टूट पड़ी रोटियां पे। अगर वो लोग अच्छा लगा तो लाइक करने, चैनल सब्सक्राइब करने। इंशाल्लाह अगली अफ्तारी मस्जिद में करनी है और कोई अच्छी मस्जिद ढूंढा तो चैनल पे आंदे रहने, वीडियोस आंदी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें।